हेलो एवरीवन, लर्न विद कविता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। बरसात के टाइम इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? रवि क्रॉप, सीजनल क्रॉप, मॉनसून क्रॉप या खरीफ क्रॉप? इनमें से इसका आंसर आएगा खरीफ क्रॉप। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो लिसन इट केयरफुली। और इसी टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। खरीफ क्रॉप के लिए आपने याद रखना है रेनी सीजन, और रेनी सीजन इंडिया में स्टार्ट होता है जून जुलाई के आसपास, ठीक है। जून जुलाई के आसपास इंडिया में बरसात शुरू हो जाती है और कब तक चलती है? सितंबर अक्टूबर तक। इसका मतलब है जून जुलाई के आसपास खरीफ की फसल को उगाया जाता है, मतलब इसकी बुआई की जाती है, और सितंबर अक्टूबर के आसपास इसे काट लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेनी सीजन की। तो रेनी सीजन में टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। इसका क्या मतलब हुआ? खरीफ क्रॉप को उगाने के लिए हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, ठीक है। सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पेड़ी को, मतलब धान को। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा? पेड़ी आएगा, धान। धान कौन सी क्रॉप है? एक खरीफ की क्रॉप है। साथ में मेज, मक्का। मक्का भी क्या है? खरीफ क्रॉप है। कॉटन भी क्या है? खरीफ क्रॉप। सोयाबीन भी क्या है? खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली भी क्या है? मूंगफली भी एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। ग्रीन ग्राम, हरी मूंगी। ये सब एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। पेडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट और ग्रीन ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर डेकली एंड रहत आर डिफरेंट। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वीडिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सीड सोइंग या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, ठीक है। जबकि मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन में क्या क्या है? स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप मेथड। पुराने टाइम पे हम मोर डेकली, रहत इनका यूज करते थे इरीगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। रवि की फसल की कटाई कब की जाती है? जनवरी, मार्च, अक्टूबर या सितंबर? इनमें से इसका आंसर क्या आएगा? मार्च। रवि क्रॉप के लिए आपने याद रखना है विंटर्स, जबकि आप खरीफ क्रॉप के लिए याद रखोगे क्या? रेनी सीजन, ठीक है। अक्टूबर से ठंड स्टार्ट हो जाती है और कब तक चलती है? लगभग मार्च तक, ठीक है। इसका मतलब है जो रवि की फसल है उसे सितंबर अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास इसे काट लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की। तो विंटर्स में रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है। तो रवि क्रॉप के लिए कम ह्यूमिडिटी, कम रेनफॉल और कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। रवि क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? व्हीट, पी, मटर, ये भी क्या है? रवि क्रॉप है। साथ में ग्राम, चना, ये भी रवि क्रॉप है। और लिनसीड, अलसी। अलसी भी क्या है? एक रवि क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर। इनमें से फर्टिलाइजर का एग्जांपल कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनपीके, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा नन ऑफ ऑल। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फरस और के पोटाशियम। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, तीनों आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउडेज सीड्स आर सोन इन फील्ड यूजिंग। आजकल हम बीज को खेत में किसकी हेल्प से डालते हैं? सीड ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, सीड टिलर या सीड प्लो? इनमें से इसका आंसर आएगा सीड ड्रिल। ये क्या है? सीड ड्रिल है, जिसकी हेल्प से बीज को डाला जाता है खेतों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोड्यूल्स ग्रोइंग इन। राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, पर पर्टिकुलरली किस पार्ट में पाए जाते हैं? रूट में, लीव में, स्टेम में या ऑल द अबव? क्या आंसर आएगा इसका? रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ऐसे पौधे जिनकी जड़ों में गांठें होती है या फिर नोड्यूल्स होते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जांपल क्या है? जितनी भी पल्सीज है, मेज, शुगर केन, ठीक है, इन सभी की जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड। एक ही खेत में अल्टरनेट वे से क्रॉप्स को उगाना, ठीक है, एक टाइम पे जैसे गेहूं को उगाया, उसी खेत में नेक्स्ट टाइम जो है सरसों उगा दिया, नेक्स्ट टाइम उसमें आलू उगा दिया। तो इस तरह से अल्टरनेट वे से अगर हम फसल को उगाते हैं तो इस मेथड को हम बोलेंगे क्रॉप अल्टरनेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रिवोल्यूशन या क्रॉप चेंज। इसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। इनमें से फर्टिलाइजर्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है? दे इंक्रीज द यील्ड, पैदावार को बढ़ाते हैं, ये करेक्ट है। फर्टिलाइजर्स पैदावार को
बढ़ाते हैं। देयर एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। अगर हम फर्टिलाइजर्स को एक्सेस में यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वान्टिटीज, ये भी करेक्ट है। हम फर्टिलाइजर्स को एक्सेस में यूज नहीं कर सकते। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये गलत है। जो फर्टिलाइजर्स है दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। अगर ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो इसे वाटर पॉल्यूट होगा, अगर ये सॉइल के साथ मिक्स होगा तो सॉइल पॉल्यूट होगी, एयर के साथ मिक्स होता है तो एयर पॉल्यूट होगी, तो इसलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक मन्यूर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर्स बिकॉज इट इन्हांसिस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये मिट्टी की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। इट मेक्स द सॉइल पोरस, ये भी करेक्ट है। इससे क्या होता है, मिट्टी में नमी रहती है, मतलब ह्यूमस मेंटेन करता है ये मिट्टी में। इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ सॉइल, और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर्ड इज कॉल्ड। फसल जब तैयार हो जाती है तो इसे हम काटते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, हार्वेस्टिंग, प्लोइंग या नन ऑफ ऑल। इनमें से इसका आंसर क्या आएगा, हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड। द मेन टूल्स यूज फॉर सर्च आर। बीज डालने से पहले ये जरूरी है कि मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाए। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम किन टूल्स का यूज करते हैं, क्या आंसर आएगा इसका, सी, प्रो, सीड ड्रिल और ट्रैक्टर। तो तीनों एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग विंटर सीजन। इनमें से किस फसल को विंटर सीजन में उगाया जाता है। अब विंटर्स में उगाया जाता है रवि क्रॉप को, आपने देखना इनमें से रवि क्रॉप का एग्जांपल कौन सा है, कॉटन, लिनसीड, ग्राउंड नट या पेडी। क्या आंसर आएगा इसका, लिनसीड। लिनसीड एग्जाम्पल है रवि क्रॉप का, कॉटन, ग्राउंड नट, पेडी, ये तीनों एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड। समय समय से हम फसल को पानी देते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं कल्टीवेटर, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग या सोइंग, इसे हम बोलेंगे इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग टूल इज यूज टू रिमूव वीड। इनमें से खरपतवार को निकालने के लिए हम किस टूल का यूज करेंगे, सिकल, प्रो, हु या सीड ड्रिल। इसका आंसर आएगा हु, कुदाल, ठीक है। सिकल होता है दराती, दराती से भी हम वीड को निकाल सकते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर टूल यूज होगा हु। नेक्स्ट क्वेश्चन, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज ए वीडिसाइड, फर्टिलाइजर, फंगिसाइड या पेस्टिसाइड। इनमें से इसका आंसर आएगा पेस्टिसाइड। क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट सीजन, दशहरा, गणेश चतुर्थी, वैशाखी या क्रिसमस, वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। ऑल दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन देम केयरफुली। यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई यील्ड। अच्छी उपज के लिए एकमात्र क्राइटेरिया है कि हमारे पास अच्छी बीज का होना जरूरी है, ये गलत है। साथ गुड क्वालिटी सीड के साथ साथ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी जरूरी है। नेक्स्ट, ऑल क्रॉप प्लांट्स आर सोन एज सीड्स इन द फील्ड। सभी फसल को उगाने के लिए खेतों में बीज डाला जाता है, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। कुछ फसल की रुपाई की जाती है, जैसे धान है, सेल्स ऑफ फ्रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन, ये गलत है। ये भी लेगुमिनस प्लांट की रूट्स में बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ये भी गलत है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी ड्राइड बिफोर शोरिंग, ठीक है। पैकिंग से पहले जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्रेन है उसे अच्छे से सुखाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। इरिगेशन, मैन्यूरिंग, डिगिंग एंड बिनोइंग, टीलिंग एंड प्लोइंग या हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। क्या आंसर रहेगा इसका, टीलिंग एंड प्लोइंग, खेत को जोतना और हल चलाना। क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग मंथ्स फार्मर ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। इनमें से किस मंथ में फार्मर इंडिया में मस्टर्ड, मतलब सरसों को उगाते हैं। सरसों एक रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप किस मंथ में तैयार की जाती है। रबी एक विंटर्स क्रॉप है, तो विंटर स्टार्ट होती है अक्टूबर में और कब तक चलती है, मार्च तक। तो इसका आंसर क्या आएगा, अक्टूबर टू मार्च। द करेक्ट सिक्वेंस इन सीरीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज टिलिंग एंड प्लोइंग, सोइंग, मैन्यूरिंग, इरीगेशन, बीडिंग या फिर हार्वेस्टिंग। तो इनमें से करेक्ट सिक्वेंस है, सबसे पहले खेत को हल चलाया जाता है, जोता जाता है, उसके बाद सोइंग मतलब उसमें बीज डाला जाता है, बीज डालने के बाद उसके ऊपर गोबर डाला जाता है, उसके बाद उसमें सिंचाई की जाती है, उसके बाद उसमें जो खरपतवार होता है उसको निकाला जाता है, और उसके बाद जब फसल तैयार होती है तो उसकी कटाई की जाती है। तो ये करेक्ट सिक्वेंस है, ठीक है, तो ये आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल बाय ह्यूमन फॉर प्रॉफिट इज नोन एज ग्रेनरी
एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म या वेयर हाउस। कैंसर आएगा इसका एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रेट एसिमिलेशन या नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जबकि नाइट्रेट का अमोनिया में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग सीड, स्टेम, रूट या लीफ। इनमें से इसका आंसर आएगा स्टेम, राइज है। जिंजर एक स्टेम है, रूट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड, ठीक है, भूसे से अनाज को अलग करने को हम बोलते हैं सीविंग, विनोविंग, थ्रेशिंग या हैंड पिकिंग। इसका आंसर आएगा थ्रेशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉनसून सीजन इन आर कंट्रीज ड्यूरिंग द मंथ्स अप्रैल, दिसंबर, जून, सितंबर, नवंबर, मार्च या जनवरी में। क्या आंसर आएगा इसका, जून टू सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन व्यू वाटर सप्लाई ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। इरिगेशन के इस मेथड को क्या बोलेंगे जिसमें पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। पुली सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम या लीवर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम इसका यूज किया जाता है जहां पर पानी कम होता है और इस मेथड में सबसे कम पानी वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्प्रेइंग वीडिसाइड। स्प्रेयर। कैंसर आएगा इसका स्प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, ट्यूबवेल, डैम, लेक या ओशियन। कैंसर आएगा इसका ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज्ड, मोर, ड्रिप सिस्टम, चेन पंप या स्प्रिंकल मेथड। क्या आंसर आएगा इसका स्प्रिंकल मेथड। वीड कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, वीडिसाइड या बैक्टीरियासाइड। क्या आंसर आएगा इसका वीडिसाइड। वीड से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट विच ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप। फसल के साथ कई बार अनडिजायरेबल प्लांट उगाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वीड, और वीड को निकालने के लिए हम यूज करते हैं खुरपी का, और 2,4-D क्या है, एक वीडिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल लाइक हॉर्स, डंकी, दैट कैरीज लोड आर कॉल्ड ड्राउट स्पीशीज, लोड कैरिंग एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स या ड्राउट एनिमल्स। इन्हें हम बोलेंगे लोड कैरिंग एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिंग ऑफ फिश इन इनलैंड वाटर एंड कोस्टल वाटर आर कॉल्ड पिसिकल्चर, फिशरी, फिश कल्चर या हार्वेस्टिंग। क्या बोलेंगे, पिसिकल्चर। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। इनमें से मक्की को उगाने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर या रेनफॉल। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर करोगे, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को कम्प्लीट देखो और अपने कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी मस्ट है। होपफुली वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इनसे हमें मिलती है इंस्पिरेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।